जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा शुरू होने वाली है। सभी भक्तों को इस वार्षिक यात्रा का इंतजार रहता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो सकती है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिएगा, उसकी डिटेल हमने जानकारी दी है। ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अमरनाथ यात्रा के दो मार्ग हैं। एक है बालटाल मार्ग और दूसरा है पहलगाम मार्ग। श्री अमरनाथ जी यात्रा की जो पवित्र गुफा है, उसका जो बालटाल मार्ग है वो 16 किलोमीटर लंबा है। वहीं पहलगाम मार्ग लगभग 40 से 45 किलोमीटर लंबा है। बालटाल मार्ग छोटा ज़रूर है, मगर खड़ी चढ़ाई होने के कारण लोगों को परेशानी भी ज़्यादा होती है। जबकि पहलगाम मार्ग लंबा ज़रूर है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए मार्ग अपेक्षाकृत आसान रहता है। बालटाल मार्ग को एक दिन में कवर किया जा सकता है, लेकिन पहलगाम मार्ग के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है। पवित्र अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार अमरनाथ यात्रा ट्रैक के रखरखाव व मरम्मत की जिम्मेदारी BRO को दी गई है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वही संगठन है जो देश के सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क बनाने का काम करता है, और यह संगठन हमारी भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग है। यात्रा का जो बालटाल मार्ग है वो 15 किलोमीटर लंबा है और काफी दुर्गम है। तो इसी बालटाल मार्ग में मरम्मत का काम जो है वो ERO को सौंपा गया है। दोस्तों, यह ट्रैक मौसम की स्थिति के आधार पर काफी संकीर्ण और जोखिम भरा है। यह मार्ग काफी सकरा है और BRO ने ट्रैक से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ गुफा तक के मार्ग पर नवीनतम तकनीकों से लैस मशीनरी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो कि हड्डियां कपा देने वाली भयंकर ठंड और भीषण चुनौतियों के बीच करीब 15 फीट बर्फ को काटकर रास्ता बना रहे हैं। यह पूरा काम BRO की 122 RCC के कंट्रोल में हो रहा है। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है, और बहुत ही जल्द यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्ग बहुत ही दुरुस्त हो जाएगा। फिलहाल बर्फ की कटाई का काम चल रहा है, और जैसे ही स्नो क्लीयरेंस का काम पूरा होगा, उसके बाद ट्रैक की मरम्मत और उसे चौड़ा करने का कार्य किया जाएगा। ट्रैक को यात्रियों, पालकी वालों, घोड़े वालों आदि की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए चौड़ा किया जाएगा, ताकि उन्हें जाने में कोई दिक्कत ना आए। ट्रैक वही रहेगा, लेकिन उसी को ठीक किया जाएगा, उसे बहुत अच्छा किया जाएगा। इसको 12 फीट के करीब चौड़ा किया जाएगा। बालटाल मार्ग पर 2 मील से लेकर पवित्र गुफा तक के ट्रैक पर BRO को कई जगहों पर कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यात्रा मार्ग के मरम्मत का काम जो है वो 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में बालटाल से 2 मील तक का काम किया जाएगा, स्नो क्लियरेंस का काम होगा, और उसके बाद दूसरे चरण में 2 मील से लेकर पवित्र गुफा तक के ट्रैक पर काम शुरू किया जाएगा। दोस्तों, पिछले साल 2022 में पवित्र गुफा के पास एक दुखद त्रासदी हुई थी, तब वहां मशीनें नहीं पहुंच पाई थी। इसे ही ध्यान में रखते हुए इस बार ऐसा ट्रैक तैयार किया जाएगा ताकि मशीनरी, एम्बुलेंस या फिर जो भी कुछ इमरजेंसी की चीज़ें हैं वो समय पर किसी भी आपातकालीन स्थिति में वहां पर पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, इस वर्ष यात्रा शुरू होने से पहले रामवन में यात्री निवास के भवन को पूरा किया जाएगा, ताकि यात्रियों को वहां पर यात्री निवास में ठहरने की सुविधा मिल सके। साथ ही यात्रा शुरू होने से पहले प्रत्येक बेस कैंप स्थान पर रोशनी, पानी का टैंक, शौचालय, जनरेटर, PCB, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, संचार टावर आदि सुविधाओं को भी पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत अच्छी मेडिकल सुविधाओं को भी लेके आने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें जो वास्तविक आवश्यकता है उसके अनुसार ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। एक्सरे, ECG आदि की सुविधाओं के अलावा प्रत्येक स्थान पर जगह जगह उपयुक्त बिस्तर क्षमता के साथ में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी, जिससे कि यात्रियों को काफ़ी सुविधा हो पाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में यही जानकारी आपके लिए थी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमारे चैनल पर आपके लिए आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो ज़रूर लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।